इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहा है। बीते कई दिनों से मामले 3 लाख 4 लाख से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ी राहत जरूर दिखाई दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,63,000 के करीब नए मामले आए। ऐसे में लोगों के बीच एक आस उम्मीद जगती हुई दिखाई दी है कि अब शायद मामले कम होंगे, शायद अब दूसरी लहर कम हो गई है। मामले तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन मौतों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल। भारत एट नाइन में आज बात होगी कोरोना के घटते मामलों को लेकर और बढ़ती मौतों को लेकर, क्योंकि जिन राज्यों में मामले बहुत ज्यादा थे वहां के आंकड़े अब बताते हैं कि वहां स्थिति काबू में है। क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में मामले कम हो गए हैं या गांव कस्बों में टेस्टिंग ही नहीं हो रही? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि गांवों और कस्बों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार को फटकार आखिर क्यों लगाई और क्या क्या कहा। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महीने के अंदर तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गाँवों में बदहाली को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश के गांवों और कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट की 10 बड़ी बातें। 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों के 40% बेड आईसीयू के लिए रिजर्व रखे जाएं। दूसरा, इसमें 25% बेड वेंटिलेटर वाले हों और 25% हाई फ्लो नोजल कैंडुआ से लेस हों। तीसरा, 50% बेड सामान्य मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। गांवों और कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी लैब बनाई जाए। हर जिले में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में आईसीयू वाली 2 एम्बुलेंस हों। हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। 30 बेड से ज्यादा क्षमता के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे। बड़े औद्योगिक धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने वाला फंड वैक्सीन खरीदने में लगाए। BHU गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ मेडिकल कॉलेजेस को SGPGI स्तर का बनाया जाए। कोर्ट ने कहा, नौकरशाही छोड़कर डिटेल रिपोर्ट दीजिए। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की रोकथाम और बेहतर इलाज की डिटेल प्लानिंग मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाही छोड़कर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अच्छे से तैयारी करें। कोर्ट ने गांवों और कस्बों में टेस्टिंग बढ़ाने का भी आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। 5 शहरों में मेडिकल कॉलेज बनाने के निर्देश। कोर्ट ने कहा कि SGPGI लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की तर्ज पर प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर में भी हाईटेक सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएं। ये प्रक्रिया 4 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। इसके लिए जमीन और फंड की कोई कमी ना रहे। कोर्ट ने कहा कि इन 5 मेडिकल कॉलेजेस को ऑटोनॉमी भी दी जाए। 12 जिलों में नोडल अफसर देंगे रिपोर्ट। कोर्ट ने बी और सी ग्रेड के कस्बों में 20 एम्बुलेंस, हर गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस तैनात करने का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने बिजनौर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, जौनपुर, मेनपुरी, मऊ, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद और देवरिया के जिला जजों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ये नोडल अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करवाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्राचार्य को सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम में कोविड और आईसीयू वार्डों की डिटेल 22 मई को पेश करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा 3 सदस्यों की कमेटी बनाए। सुनवाई के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकार ने बताया कि महामारी से जुड़ी शिकायतों के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कमेटी संबंधित जिले के नोडल अधिकारियों से चर्चा कर हर शिकायत का निस्तारण 24 से 48 घंटे के भीतर होना चाहिए।
ये तो बात हो गई यूपी की, अब जरा बाकी राज्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर राहत की खबर है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी कि रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। हालांकि कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों के मरने का सिलसिला फिलहाल थमा नहीं है और थमता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। बीते एक दिन में 4,300 से ज्यादा कोविड मरीजों की मौत हुई है। 18 मई 2021 सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में आए कुल नए केस 2,63,533, बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए मामले 4,22,436, बीते 24 घंटे में हुई कुल मौतें 4,329। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,52,28,696 है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,15,96,512 है। देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,78,719 है। भारत में कोरोना के अब तक कुल एक्टिव केस 33,53,765 है। कुल वैक्सीनेशन अब तक 18,44,53,149 है, यानी कि वैक्सीनेशन इतने लोगों का हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 मई के बाद से रोजाना नए मामलों में औसत गिरावट आई है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में 75% मरीज कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में हैं। देश में कोविड मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 85% से अधिक है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.10% है। दिल्ली में एकदम गिरा कोरोना संक्रमण का ग्राफ, जो वाकई लोगों को चौंका रहा है और कहीं ना कहीं भ्रमित करता हुआ भी नजर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में यानी कि सोमवार को कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आने के साथ पॉजिटिविटी रेट भी सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। राजधानी में अब पॉजिटिविटी रेट 8.42% है, जो 8 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। हालांकि चिंता की बात यह है कि राजधानी में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 340 लोगों की जान चली गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 56,000 के करीब पहुंच गए हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछती है कि वाकई ऐसा हुआ है या फिर कुछ छिपाया जा रहा है। यूपी में भी घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर यूपी से भी राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना के 10,000 से कम केस सामने आए हैं। यूपी में सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान यूपी में 285 कोविड मरीजों की मौत हुई है। लेकिन यूपी की आबादी की हम बात करें तो 22 करोड़ से ज्यादा है। शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में अब भी तस्वीरें जस की तस बनी हुई है। गाँव के कस्बों के हालात बस से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो शव हैं वो नदियों में तैरते हुए नजर आ रहे थे। क्या हो रहा है, क्या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो कोरोना से नहीं मरे हैं, उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। जो घर पर दम तोड़ रहे हैं, आखिर उनका क्या, क्या वो आंकड़ों में नहीं आएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ रहा है, जो इससे पहले हम अपनी खास रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। गुजरात में लगातार बढ़ रहा कोरोना रिकवरी रेट। गुजरात में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी के साथ कम हो रहे हैं। एक दिन में गुजरात में कोरोना के 7,135 नए मरीज मिले, 81 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 1 लाख से कम हो गए हैं। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज।
और ये वाकई चौंका देने वाला है। जिस कर्नाटक में जब पीक पर उत्तर भारत में कोरोना के मामले थे तब वहां कोरोना के मामले बेहद कम थे, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कर्नाटक में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 38,603 नए मामले आए, जबकि कोरोना के चलते 476 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में अब भी पॉजिटिविटी रेट 40% के करीब है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, जहां सोमवार को कोरोना के 13,338 नए मरीज मिले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का टीकाकरण भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 15.10 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। अब तक देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है, हालांकि अधिकतर को अभी वैक्सीन की पहली खुराक ही नहीं मिल सकी है। कुल 18 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ को वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई हैं, 14 करोड़ को अब भी पहली डोज ही मिली है। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि टेस्टिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से मामले कम आ रहे हैं। लेकिन अब भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दूसरी लहर है। तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं एक्सपर्ट्स पहले भी कर चुके हैं और तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो गया है। कई मामले सामने आ चुके हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को कोरोना अब प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बेंगलुरु हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर तमाम मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना है कि दूसरी लहर तो पीक पर आकर खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब तीसरी लहर आएगी तो और ज्यादा हाहाकार हो सकता है। पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। कई सरकारें कोशिश कर रही हैं, जी हाँ, मैं राज्य सरकारों की बात कर रही हूँ, कि तीसरी लहर आने से पहले ही इसकी रोकथाम को लेकर तमाम चीजें व्यवस्थित की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, मुंह पर मास्क जरूर लगाइए, गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है। अपने आप को सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। भारत एट नाइन में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।